दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का पांच बड़े ही मज़ेदार सवाल जो आपके जीवन बनाने में हरदम हर वक्त काम करेगी। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को अभी हमारे इसी वक्त शुरू करते हैं। अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों की अच्छा जानकारी आप तक डायरेक्ट मिलती रहे। सवाल नंबर एक, भैंस का दूध खाने से क्या क्या फ़ायदा मिलती है हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है, भैंस का दूध पीने से जो है हड्डी मजबूत रहता है, मांस मजबूत रहता है, तो बुढ़ापे तक आदमी खूब आसानी से जी पाता है। जो लोग दूध नहीं पीते हैं भैंस का, उनको जो है हड्डी कमज़ोर हो जाती है, मांस मजबूत नहीं रहता है, तो गजन हो जाती है बुढ़ापे में। सवाल नंबर दो, मुर्गा का मीट किसको खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा सेहत बनाने के लिए दोस्तों की अच्छा सेहत हमेशा बनते रहे दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है, गठिया वाले रोगियों को मुर्गा का मीट चिकन खाना चाहिए, क्योंकि गर्म होता है तो घुटनों में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुर्गा का चिकन मटन ज़रूर खाएं दोस्तों, खूब अच्छा से बना करके। सवाल नंबर तीन, राजमा की सब्ज़ी खाने से क्या फ़ायदा मिलती है हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों की अच्छा जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, शरीर में ताकत बनता है, नया खून बनता है, अंतड़ियों की जितना रेशा रहता है वो नया तैयार होती है, इसलिए राजमा की सब्ज़ी ज़रूर खाना चाहिए दोस्तों। राजमा की सब्ज़ी खाने से बहुत फ़ायदेमंद होती है। सवाल नंबर चार, ज़्यादा अमरूद खाने से क्या होता है हम लोगों को शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने। दोस्तों इसका सही आंसर है, सर्दी जुकाम होता है और लीवर में सूजन होती है, इसीलिए दोस्तों क्या करना चाहिए कि अमरूद ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट में बहुत तकलीफें बढ़ जाती है, इसीलिए अमरूद का सेवन कम करना चाहिए। सवाल नंबर पाँच, अंडा किसको नहीं खाना चाहिए ज़्यादा? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों की अच्छा जानकारी आप तक डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, जिनको दाहिने अंग में लकवा फालिस मार दिया है उनको जो है ज़्यादा अंडा की सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर मार सकता है। थैंक यू दोस्तों, बने रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें।